हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग J2 18 J250F पूरा मॉडल नेम है इसका। इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो देखिए, इसका गूगल अकाउंट कैसे बाईपास होगा। इसका मोबाइल फॉर्मेट मारने के बाद इसमें गूगल अकाउंट फंस जाता है, जो अगर पुराने ईमेल आईडी नहीं होते हैं तो नए ईमेल आईडी नहीं डलता है इसमें। तो देखिए, इसमें आपको हम दिखाते हैं गूगल अकाउंट लगा हुआ है और उसके बाद इसको हम बाईपास करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है बाईपास करने का। अगर आपके पास UMT है तो इजीली इसे बाईपास कर सकते हैं। 2023 लेटेस्ट मॉडल है, सिक्योरिटी है इसका। तो देखिए, इसका ईमेल आईडी पे आपको हम चेक करवाते हैं कैसे ईमेल आईडी मांगता है और इसको बाईपास कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखें और कैसे बाईपास करेंगे ये भी पूरा इसमें देख पाएंगे आप। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे FRP बाईपास कर रहे हैं, और FRP बाईपास हम ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट के अंदर में इसे करके दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए, हम 2 मिनट में ही ये वीडियो आपको ख़त्म कर देंगे। देखिए, पूरा वीडियो ईमेल आईडी यहाँ से मांग रहा है। तो हम इसको, चलिए अब PC से अनलॉक करेंगे। देखिए, इसमें हम UMT खोलेंगे। UMT खोलने के बाद देखिए, UMT खोलें, इसे ADV FRP हम गए, और वहाँ से ADV FRP करने के बाद यहाँ देखिए *0*0* मांग रहा है फ़ोन। तो हम इसमें, हम मोबाइल में *0*H डायल करेंगे, *0H डायल करेंगे, और देखिए वहाँ हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए, यहाँ ADV अलाउ का ऑप्शन आएगा हमारे मोबाइल पे। वहाँ ADV हम ओके करेंगे। देखिए, यहाँ ADV हम ओके करेंगे। अब हमें ADV अलाउ का ऑप्शन मोबाइल पे स्क्रीन पे शो करने लगेगा। अगर मोबाइल पे स्क्रीन पे शो करने लगेगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद देखिए, हमारा ऑटोमेटिक FRP बाईपास हो जाएगा, फ़ोन चालू हो जाएगा। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा वीडियो, और कैसे FRP बाईपास के बहुत ईजी ट्रिक है। और प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। देखिए, इसको हम FRP बाईपास, मेरा FRP लॉक UMT से हो रहा है, और यहाँ ओके लिख देगा और वहाँ हम मोबाइल का सेटअप कर लेंगे। तो देखिए, वहाँ हमारा FRP लॉक डन लिख दिया है। अब हम यहाँ मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल मेरा ऑटोमेटिक FRP देखिए निकल जाएगा। लौटा के देखिए, मेरा मोबाइल चालू हो गया, ऑटोमेटिक मेरा FRP निकल गया। तो देखिए दोस्तों, FRP निकालने का बहुत ही J2 18 2022 लेटेस्ट सिक्योरिटी है इसमें, और कई बार इसे FRP निकालने में बहुत सारा परेशानी होता है, नहीं निकल पाता है। देखिए, हमने कैसे इजी तरीका से इसका FRP निकाला। और ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम अपने YouTube चैनल पे लेके आते रहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। दोस्तों, मेरा मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा वीडियो आप लोगों को तक जाता रहेगा। देखिए, मेरा FRP बाईपास हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से दूसरे नए वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।